न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी जिला का कार्यभार संभालता है तो उसका यह प्रयास रहता है कि वहां व्यवस्था में सुधार हो। और स्थानांतरण के बाद अशोक कुमार गर्ग ने जैसे ही कल रेवाड़ी में जिला उपायुक्त का कार्यभार संभाला तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहते जरा देर नहीं लगाई कि अधिकारी और प्रशासन जनता के लिए हैं, इसलिए जनता को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाएं और कोई भी अधिकारी अपने आप को जनता से ऊपर ना समझे। वहीं सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त जनहितैषी प्रशासन देने का काम करें। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग आज रेवाड़ी में कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि रेवाड़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने सचिवालय के एक एक कमरे में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया और सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सभी अधिकारियों को पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में पब्लिक टॉयलेट के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए सभी अधिकारियों को अपने दफ्तरों के टॉयलेट पर ताला लगाकर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनकी व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि लंच से पहले कोई मीटिंग ना रखी जाए ताकि आम जनता का कोई भी कार्य प्रभावित ना हो। इसके साथ ही उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जिला सचिवालय सभागार में पत्रकारों से मुलाकात कर शहर की व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में भी जाना। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मानना है कि अधिकारी और प्रशासन जनता के लिए, तो जनता को केंद्र में रखकर ही सारे काम किए जाएंगे और अधिकारियों को ये मैसेज दिया जाएगा कि अपने आप को जनता के स्तर पर समझे, जनता से ऊपर ना समझे, पारदर्शिता के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त जनहितैषी प्रशासन देने की कोशिश। जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उनमें थोड़ा सफाई की हालात अच्छी नहीं थी, उनको साफ करने के निर्देश दे दिए हैं और ये परमानेंट साफ रहें इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हम अपने पर्सनल टॉयलेट्स को ताला लगा दें और पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करें। तो ये मेरे विचार से स्थायी समाधान है कि जब अधिकारी खुद पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करेंगे तो वो साफ रहेंगे। एक टॉयलेट को ताला लगवा दिया है, मेरी चाबी CTM साहब के पास है, इसी तरह के जितने भी पर्सनल टॉयलेट्स हैं उन सबको ताला लगा के सबने चाबियां अपनी CTM साहब को सौंप दी हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ नज़र आया कि मेरे कमरे के बाहर जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी आदेश दिए हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे सारी बेंचेस और चेयर्स लग जाएं ताकि लोगों को ये ना लगे कि दफ्तर में उनको अनवेलकम की फीलिंग ना आए और वो आराम से बैठ सकें यदि उनको इंतज़ार करना पड़े। ये सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि लंच से पहले कोई मीटिंग ना रखें, लंच तक का समय जनता के लिए रखें और कोई भी मीटिंग रखनी है तो लंच के बाद रखें, कोई भी मीटिंग लंच से पहले नहीं रखूँ।